वेलकम टू द जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी चैनल। मैं हूं नीट अग्रजी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं नीट यूजी 2020 बुकलेट कोड जीवन के फिजिक्स के क्वेश्चंस। ठीक है जी, जीवन है फिजिक्स के क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक करेंगे इस वीडियो में। तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब फॉर द लेटेस्ट अपडेट रिलेटेड टू नीट स्टडी मटेरियल के लिए। तो देखो, यूजुअली होता क्या है कि फिजिक्स जब भी हमारे सामने खुलती है जब, तो हमें कहीं ना कहीं डीमोरलाइजेशन फील होता है और हम अपने आप को थोड़ा सा ऐसा फील करने लग जाते हैं कि यार सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। फिजिक्स में तुम्हें सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि जो जो ईजी लगता है उस पार्ट के कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, उसके बाद उसके फार्मूलाज को क्लियर करो, और जो सिंपल न्यूमेरिकल है ना, जो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड सीधा वो करो, क्योंकि कॉम्प्लेक्स करने जाओगे तो फिर मन नहीं करेगा और अल्टीमेटली फिर क्या होता है कि फिर पढ़ने का मन नहीं करता, फिर वही बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो बायोलॉजी केमिस्ट्री भी पढ़नी है साथ में फिजिक्स, तो हम शुरुआत करेंगे सिंपल से, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे, धीरे धीरे ऐसा मन बन जाएगा कि हम करने लग जाएंगे। तो इस पे हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चंस और देखेंगे किस तरीके से ये हो रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं। ए वायर ऑफ लेंथ एल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, लेंथ एल है, एरिया क्रॉस सेक्शन ए है, इज हैंगिंग फ्रॉम ए फिक्स्ड सपोर्ट। ठीक है जी, फिक्स सपोर्ट से हैंग की हुई है। द लेंथ ऑफ द वायर चेंजेस टू L1, और उसके बाद L1 में चेंज हो गई क्योंकि भाई मास लटका हुआ तो कुछ ना कुछ तो खिंचाव होगा। व्हेन द मास M इज सस्पेंडेड फ्रॉम इट्स फ्री एंड, जब मास M लगाया गया तो लेंथ एक्सटेंड हुई है। द एक्सप्रेशन फॉर यंग्स मॉडुलस इज, अब इसमें यंग्स मॉडुलस का एक्सप्रेशन पूछा हुआ है, तो हम सीधा चल देंगे अपने डैशबोर्ड पे जहां हम करने वाले हैं सॉल्व। देखो, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि चेंज इन लेंथ क्या होती है, डेल्टा एल। यंग्स मॉडुलस की बात होती है तो डेल्टा एल हमें वहाँ पुट करनी पड़ती है, तो डेल्टा एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चेंज इन लेंथ। ठीक है भाई, फाइनल लेंथ क्या थी, L1, फाइनल लेंथ थी L माइनस L। ठीक है जी, ये इनिशियल लेंथ है, ये हो गया डेल्टा L। अच्छा, एरिया क्या दिया हुआ है, एरिया हमको गिवन है A। ठीक है जी, एरिया इज गिवन एज A, एरिया हमें दिया हुआ है A, एरिया इज A। ठीक है जी, एरिया A दिया हुआ है। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, सिंपल सा फार्मूला है, आपने पढ़ा हुआ है, फोर्स इज इक्वल टू mg, ये सिंपल सा फार्मूला है भाई, फोर्स इज इक्वल टू mg। ठीक है जी, तो यंग्स मॉडुलस, अब बात कर रहे हैं हम यंग्स मॉडुलस y, इसकी क्या होती है इक्वेशन। तो यहाँ जो केस है वो कौन सा है, यहाँ लगेगा तुम्हारा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, क्योंकि वायर तो लॉन्गिट्यूडिनली लगेगा ना इसके अंदर, तो नॉर्मल स्ट्रेस। ठीक है जी, नॉर्मल स्ट्रेस डिवाइडेड बाई लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ठीक है जी, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, तो ये स्ट्रेस डिवाइडेड बाई लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ठीक है, तो स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्ट्रेस का फॉर्मूला हो जाएगा फोर्स अपॉन में ए। ठीक है जी, स्ट्रेस हमारा ये हो जाएगा, ये हो गई स्ट्रेस की वैल्यू। अब इसके नीचे में लगा देंगे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, तो वो क्या होती है, डेल्टा एल। ठीक है जी, डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल, ये हो गया तुम्हारा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज यंग्स मॉडुलस। ठीक है जी, अच्छा, अब एफ की जगह हमारा क्या था, एफ की जगह आपने देखा हमने क्या लगा हुआ है, mg, तो ये क्या हो जाएगा, mg। ठीक है, ये हो गया mg। फिजिक्स के क्वेश्चंस को इजी करने की बात की जा रही है भाई, ए का ए एज इट इज उतार दो, ए आ गया। ठीक है, सिंपल तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ हो जाएगा L2, डेल्टा L की वैल्यू पुट कर रहा हूँ भाई, L2 L1, यहाँ पे आएगा तुम्हारा L1, क्योंकि फाइनल लेंथ हमारी L1 है और ये L थी, तो L1 माइनस L। ठीक है जी, डिवाइडेड बाई L, क्योंकि L नीचे है। ठीक है, ये आ गया, तो इसको हम रीअरेंज करेंगे तो ये वाला चले जाएगा सबसे ऊपर। ठीक है जी, और ये वाला चले जाएगा तुम्हारा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा mg। ठीक है, mg इंटू L, mg इंटू L हो गया, डिवाइड कर देंगे क्या आ जाएगा, L1 माइनस L। ठीक है जी, इंटू में किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, एरिया से। अच्छा, तो ये आ गया हमारा एक्सप्रेशन।
तो देखो एम जी इंटू एल डिवाइडेड बाई एल वन माइनस एल इंटू ए। अब देखें किसी ऑप्शन में दिया हुआ है क्या, एम जी क्या था एक बार देख लो, एम जी एल डिवाइडेड बाई एल वन माइनस एल इंटू ए, तो ये ऑप्शन नंबर थ्री में, ठीक है जी। तो तुम्हारा करेक्ट आंसर हो गया भाई ऑप्शन नंबर थ्री। तो हमने देख लिया कितने सिंपल तरीके से हमने इस क्वेश्चन को कर लिया है सॉल्व। तो क्वेश्चन नंबर वन हो गया। क्वेश्चन नंबर टू पे चलिए। ए सिलेंडर कंटेन्स हाइड्रोजन गैस एट प्रेशर ऑफ 249 किलो पास्कल एंड टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्री सेल्सियस, इट्स डेंसिटी इज। देखो इसमें प्रेशर दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है, डेंसिटी ये पूछ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर टू पे चलेंगे, अगले डैशबोर्ड पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर टू में क्या है कि पी वी इज इक्वल टू एन आर टी एक फॉर्मूला होता है, तुमने सुना होगा पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ठीक है जी। पी वी इज इक्वल टू सिंपल फार्मूला है, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं और फिजिक्स में भी हम इसको पढ़ते हैं, एन आर टी। ये सिंपल सा फार्मूला होता है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। तो ये फार्मूला हो गया। अब देखो पी वी इज इक्वल टू एन क्या है तुम्हारा, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे निकालते हैं, गिवन मास ठीक है डिवाइडेड बाई मोलर मास कैपिटल एम ठीक है इंटू आर टी, ठीक है जी आर टी हो गया। अच्छा अब आ जाओ, अब इसको अगर हम रीअरेंजमेंट कर देंगे, देखो ये है तुम्हारा कैपिटल एम, इसको यहाँ ले जाऊँगा और भी को मैं यहाँ ले आऊँगा, ठीक है जी। तो क्या बन जाएगा, पी एम पी कैपिटल एम, ठीक है ये एम इधर चला गया, ये हो जाएगा एम बाय भी, एम बाय भी, ये हो गया आर टी। हमें डेंसिटी निकालनी है ना, तो हमें डेंसिटी करनी पड़ेगी इसके अंदर, ठीक है फॉर्मूला के अंदर बनानी है। तो एम बाई वी क्या होती है, डेंसिटी, ठीक है। तो ये हो जाएगी तुम्हारी डेंसिटी, डी मान लो इसको, या रो भी कर सकते हो आर टी, ठीक है किसी तरीके से। तो डेंसिटी का जो हमारा इक्वेशन निकल के आया यहाँ से इज इक्वल टू, अगर तुम्हें डेंसिटी का डायरेक्ट फार्मूला ध्यान था तो आप कर सकते थे, पी एम ठीक है जी, डेंसिटी इज इक्वल टू पी एम बाई आर टी। तो ये हो गया आर टी, ठीक है जी, डेंसिटी इज इक्वल टू पी एम बाई आर टी हो गया। अब तुम्हें देखो पी क्या है, प्रेशर, प्रेशर की वैल्यू दी हुई है 249 किलो पास्कल। देखें प्रेशर कितनी दी हुई है, 249 किलो पास्कल। अब एक चीज़ तुम्हें ध्यान रखना है, किलो पास्कल है तो तुम फॉर्मूला में पास्कल में पुट करोगे, ठीक है, कहीं किलो पास्कल में वैल्यू पुट मत कर देना, आंसर उससे भी आ जाएगा लेकिन आंसर आएगा गलत। तो हमें सही क्वेश्चन करना है तो भाई इस जो यूनिट्स लगी हुई हैं उसका भी ध्यान रखना है, ठीक है जी। तो पी की वैल्यू हो जाएगी 249, ठीक है जी, 249 इंटू 10 रेस टू द पावर 3 पास्कल, ठीक है 10 रेस टू पावर 3 पास्कल। तो ये तो हो गया पी की वैल्यू। अच्छा एम कितना दिया हुआ है, गैस कौन सी है भाई, हाइड्रोजन, H2। तो H के दो मॉलिक्यूल है ना, तो कितना रख दोगे, 2 ग्राम आ जाएगा इसका मोलर मास, लेकिन यहाँ हम पुट करेंगे किलोग्राम में, यही तो पॉइंट ध्यान रखना है तुम्हें। अगर इसमें गलती हुई तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा, सारे के सारे जो हैं उसी यूनिट में पुट करने जो स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं और जिसमें तुम्हें आंसर्स दिए हुए हैं, तो किलोग्राम में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको 2 ग्राम को जब किलोग्राम में ले जाऊँगा तो 2 × 10⁻³ हो जाएगा 10⁻³, ठीक है जी। ये हो गया मोलर मास डिवाइडेड बाय आर की वैल्यू तुम्हें ऑलरेडी दी हुई है, आर की वैल्यू दी हुई है भाई 8.3, ठीक है जी 8.3। एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, आर की वैल्यू 8.3 जूल पर मोल पर केल्विन, स्टैंडर्ड यूनिट दी हुई है, इनटू आर। टी कितना भाई, 300 केल्विन। तो टी हो गया तुम्हारा 300 केल्विन, 300 केल्विन। अब तुम इसको जब सॉल्व करोगे ना, इसको फाइनली जब तुम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कर दो सॉल्व, तुम्हारा आ जाएगा 0.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है जी। तो आंसर इसमें आने वाला है किलोग्राम पर मीटर क्यूब में। तो इस तरीके से हमने डेंसिटी निकाल ली है, बहुत ही सिंपल तरीका था, देख लेते हैं कौन सा आंसर इसमें करेक्ट है, ठीक है जी 0.2। तो ऑप्शन नंबर 1 में ही है भाई 0.2, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट, ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि लाइट विद एन एवरेज फ्लक्स ऑफ 20 W² ठीक है जी, फ्लक्स इसकी इतनी है, फॉल्स ऑन ए नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब तुम्हें ये ध्यान देनी है कि भाई नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है,
सबसे पहली बात तो एट नॉर्मल इंसिडेंस हैविंग सरफेस एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, सरफेस एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है, द एनर्जी रिसीव्ड बाय द सरफेस ड्यूरिंग टाइम स्पैन ऑफ 1 मिनट, एक मिनट में वो कितनी एनर्जी को रिसीव करेगा ये हमें निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में थोड़ा सा कह सकते हो टफ क्वेश्चन है, ये नॉर्मल क्वेश्चंस में से नहीं है जो हम यूजुअली देखते हैं। तो अब हम इसको चलेंगे सॉल्व करने के लिए, आ गए हम अगले डैशबोर्ड पे। तो एनर्जी रिसीव्ड बाय द सरफेस ड्यूरिंग टाइम स्पैन ऑफ 1 मिनट ये हमें निकालना है। एवरेज फ्लक्स कितना दिया हुआ है भाई, एवरेज फ्लक्स जो दिया हुआ है तुम्हें दिया हुआ है 20, ठीक है ये हम वो लिख रहे हैं जो हमें गिवन है, डब्लू सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है तो ये डब्लू सेंटीमीटर स्क्वायर ये तो हमें दिया हुआ है एवरेज फ्लक्स की वैल्यू। अच्छा सरफेस एरिया कितना दिया हुआ है, एरिया इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है इसने 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है ये एरिया दिया हुआ है हमको। अच्छा अब टाइम 1 मिनट है, देखो टाइम इसने दिया हुआ है 1 मिनट, टाइम जो दिया हुआ है वो है 1 मिनट, 1 मिनट। अब हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे सेकेंड में, क्योंकि जब फॉर्मूला में पुट करेंगे तो हमें इसमें कितने सेकेंड हो जाएंगे, 60 सेकेंड, ठीक है जी 60 सेकेंड के अंदर हमको बताना है। अच्छा अब चलिए फॉर्मूला क्या होता है, तो एनर्जी रिसीव्ड ऑन नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस की बात कर रहा हूँ। फॉर्मूला होता है सीधा सीधा सा, एवरेज फ्लक्स, ठीक है एवरेज फ्लक्स फॉर्मूला जो होता है वो बताया जा रहा है तुमको, एवरेज फ्लक्स ठीक है इनटू सरफेस एरिया, ठीक है ये फॉर्मूला है, अगर आगे क्वेश्चन आता है सीधा कर देना तुमको, इनटू टाइम। तो ये सारी वैल्यू तुम्हें करनी है बस पुट, एवरेज फ्लक्स गिवन है, सरफेस एरिया भी गिवन है, टाइम भी गिवन है, तो रही क्या गया, इसकी जगह रख दो एवरेज फ्लक्स कितना दिया हुआ है 20, एरिया कितना दिया हुआ भाई 20, ठीक है जी टाइम कितना दिया हुआ भाई 60 सेकेंड इंटू 60, ठीक है जी तो 2 × 4, 4 × 6 = 24 कितना हो गया 2400, ठीक है 2 × 4 = 6 तो 2400 हो गया, तो 24 × 10³ जूल, नहीं 400 × 600 24000 हो गया ना, तो 24 × 10³ वही तो मैं कहूँ, तो करेक्ट आंसर तुम्हारा इस क्वेश्चन में हो जाएगा, देखते हैं कि इसमें 24 × 10³, तो 24 × 10³ ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है, ये इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है तो इस तरीके से हमें फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स करने हैं, और जितने आसानी से हो सके जितने सिंपल हो सके वो तुम्हें शुरुआत करने हैं, नहीं तो हमें ऐसा लगता है जैसे कॉम्प्लेक्स सा बनता जा रहा है, तो फिर कहीं ना कहीं उसमें ऐसा लगता है कि भाई हो नहीं पाएगा, लेकिन ऐसा तुम्हें सोचना नहीं है, सिंपल से शुरुआत करो बिल्कुल सिंपल से, और मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि धीरे धीरे इंटरेस्ट ऐसा जागेगा कि 180 में से 160 ले पड़ोगे फिजिक्स के अंदर, कहोगे गुरुजी क्या फार्मूला बताया आपने। तो हमें क्या करना है भाई, सिंपल तरीके से शुरू करना है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। 2 bodies of mass 4 kg and 6 kg आर टाइड टू द एंड्स ऑफ मासलेस स्ट्रिंग, ये मासलेस है, द स्ट्रिंग पासेस ओवर अ पुली व्हिच इज फ्रिक्शन लेस, द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज। देखो ये पुली बेस्ड क्वेश्चन आता है तो हम यूजुअली क्या करते हैं, टेंशन और फोर्स की इक्वेशन बनाने लग जाते हैं, उसमें टाइम लग जाता है, तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आएगा तो मैं डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूँ, वो उससे तुम्हें सॉल्व करना है, हमें निकालना है इसके अंदर द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए मैं चलूँगा अगले डैशबोर्ड पे। क्वेश्चन नंबर 4 में तब देखो ये तुम्हारा पुली है, ठीक है ये यहाँ पे लगा हुआ है एक तुम्हारा मास 4 केजी का, और इसके साथ ही ये यहाँ लगा हुआ है तुम्हारा 6 केजी का, ये है तुम्हारा 6 केजी का, अब ये है 6 केजी का और ये है 4 केजी का, तो अब देखो अल्टीमेट फोर्स कहाँ लगेगा, अल्टीमेट फोर्स यहाँ लगेगा, नेट फोर्स जो नेट फोर्स, देखो 4 से इसको भी ये नीचे की तरफ खींच रहा है और ये 6 से खींच रहा है, तो इसका जो नेट फोर्स लगने वाला है वो कितना लगने वाला है, 2 के डिफरेंस से लगने वाला है 2 mg, ये ट्रिक ध्यान रख लो बस, जो नेट फोर्स है ना वो 2 mg का फोर्स है, ठीक है जी 2g, m नहीं आएगा 2g, ठीक है जी तो नेट फोर्स कितना है हमारा 2g,
अच्छा, क्योंकि डिफरेंस इसमें दो का है ना, तो नीचे जो डिफरेंस वेट है ये चार से है, ये छः से है, तो इसमें से चार माइनस हो जाएगा टू, जो नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है वो टू, ठीक है। एफ इज इक्वल टू एम जी होता है ना, एफ इज इक्वल टू एम जी, ये फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी। तो मास, नेट मास जो नीचे की तरफ लग रहा है एक्चुअल में फोर्स, वो दो का है। अच्छा, अब देखो हमें निकालनी है एक्सेलरेशन, तो हम इसमें फॉर्मूला लाएंगे एफ नेट, ठीक है, फोर्स नेट जो लग रहा है इज इक्वल टू मास, नेट मास इनटू एक्सेलरेशन, और ये एक्सेलरेशन हमको करनी है कैलकुलेट। तो नेट फोर्स कितना लग रहा है, टू जी, एम नहीं आएगा यहाँ पे, एम गलती से लिख गया था, टू जी नेट फोर्स डाउन की तरफ लग रहा है, टू जी। और नेट मास कितना भैया, ये चार और ये छः, ठीक है, छः और चार दस, तो हम टोटल पूरे सिस्टम का जो मास लेंगे वो दस लेंगे, ठीक है। इनटू में निकालना क्या है हमको, एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू सीधी सीधी क्या आ जाएगी, ये दस आ जाएगा इसके नीचे, तो जी बाय फाइव, जी बाय फाइव। तो इस तरीके से हम जो है इसको कर लेंगे सॉल्व, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा सॉल्व जी बाय फाइव, देखेंगे किस में आ रहा है, तो जी बाय फाइव ऑप्शन नंबर टू में आ रहा है। तो सिंपल क्वेश्चन था और बड़े ही आसानी से हम इसको कर सकते थे, सिंपल सी ट्रिक लगानी थी, वो टेंशन और फोर्स की जो बनाते हैं वो करने की जरूरत नहीं है, सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ नेट फोर्स नेट मास वाला और सीधा सॉल्व कर दो क्वेश्चन नंबर चार। अब क्वेश्चन नंबर पाँच पे आ जाओ भाई, कह रहे द मीन फ्री पाथ फॉर ए गैस विद मॉलिकुलर डायमीटर डी एंड नंबर ऑफ डेंसिटी एन कैन बी एक्सप्रेस एज। तो ये जो था क्वेश्चन, ये डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड था, अगर तुम्हें फार्मूला आता था तो बड़े आसानी से कर सकते हो। इससे पिछले साल क्वेश्चन सीधा ये पूछा हुआ था कि मीन फ्री पाथ ऑफ ए गैस की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन बाय डी स्क्वायर, तो कितना सिंपल क्वेश्चन, इस बार पूरा फार्मूला पूछ लिया है, तो उसी के इर्द गिर्द, उन्हीं कॉन्सेप्टों के इर्द गिर्द घूमता है। तो क्वेश्चन नंबर पाँच में सीधा सीधा इसका फॉर्मूला होता है भाई, लैम्डा इज इक्वल टू होता है वन बाय अंडर रूट एन पाई डी स्क्वायर, वन बाय अंडर रूट टू एन पाई डी स्क्वायर। तो किस में दिया हुआ है, ये इसी में दिया हुआ, फर्स्ट वाले में, यही इसका करेक्ट है, ठीक है जी, एन पाई डी स्क्वायर अंडर रूट में। तो क्वेश्चन नंबर पाँच का हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर छः पे आ जाओ, छः वाला भी तुम्हारा काइनेमेटिक्स आया हुआ है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड विद ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर, नीचे की तरफ फेंकी जा रही है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और नीचे जब वो हिट करती है तो उसकी वेलोसिटी 80 है, ये हाइट ऑफ टावर तुमसे निकलवाना चाह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर छः, इसके लिए अगले डैशबोर्ड पर आ गए, देखिए ये टावर है, ठीक है, ये मान के चलेंगे हमारा कि ये है तुम्हारा टावर, यहाँ वेलोसिटी दी हुई है 20 मीटर पर सेकंड, लेकिन जब ये नीचे आ रहा है तो यहाँ इसकी वेलोसिटी होगी 80 मीटर पर सेकंड, ठीक है जी, ये u हो गया, ये मान लो कि चलो कि v हो गया, यहाँ से यहाँ तक मान के चलेंगे हम हाइट h, ठीक है जी, यहाँ से हाइट h होगी, हमें h निकालनी है। तो तुमने सीधा सीधा फार्मूला पढ़ा होगा भैया, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, ठीक है, प्लस टू जी एच। तो हम ये फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, इसको कर दो रीअरेंजमेंट एच के लिए, तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाय टू जी, डिवाइड बाय टू जी, इसमें कर दो वैल्यू पुट, वी कितनी है 80, तो क्या हो जाएगा 80 का स्क्वायर, तो 80 का कर दो स्क्वायर, यू कितनी है 20, माइनस 20 का स्क्वायर, माइनस 20 का स्क्वायर, ठीक है जी, ये हो गया डिवाइडेड बाय 2 इंटू कितनी दी हुई है जी की वैल्यू, जी की वैल्यू दी हुई है भाई 10। जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो हाइट ऑफ द टावर जो निकल के आएगी वो आने वाली है तुम्हारी 300 मीटर। तो देख लो कौन से क्वेश्चन में दिया हुआ है 300 मीटर, ये दिया हुआ ऑप्शन नंबर 3 में, ठीक है जी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। सातवां क्वेश्चन कलर कोडिंग से, पहले बहुत कम आया करते थे क्वेश्चन कलर कोडिंग से, लेकिन आजकल बहुत आने लग गए हैं कलर कोडिंग, जो कि मतलब बहुत बच्चे पढ़ते नहीं इस टॉपिक को, लेकिन इससे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में द कलर कोड ऑफ ए रेसिस्टेंस इज गिवन बिलो, तो येलो है, फिर वायलेट है, फिर ब्राउन है, फिर गोल्ड है,
द वैल्यूज ऑफ रेसिस्टेंस एंड टॉलरेंस रिस्पेक्टिवली। तो हमें रेसिस्टेंस और टॉलरेंस की वैल्यू इसमें बतानी है क्वेश्चन नंबर 7 में। तो अब हम इसको चलेंगे सॉल्व करने के लिए। आ जाओ अगले डैशबोर्ड पे। येलो का क्या होता है भैया कलर कोड? येलो का होता 4, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद वायलेट, वायलेट का क्या है भाई? 7, ठीक है। और मल्टीप्लायर की तरह एक्ट करेगा ब्राउन वाला, तो ब्राउन वाला जो है ना वो दैट विल योर मल्टीप्लायर। तो ब्राउन के लिए क्या हो जाएगा? मल्टीप्लायर हो जाएगा 10, ठीक है जी। अच्छा, 10^1 मल्टीप्लायर गोल्ड, ठीक है जी। गोल्ड के लिए कितनी आ जाएगी टॉलरेंस? ये आ जाएगी तुम्हारी ±5%। अच्छा, अब देख लेते हैं इसमें कितना दिया हुआ है। ये देखिए, तो 4 हो गया, ये 7 हो गया, तो 47, ठीक है, इंटू 10^ मल्टीप्लायर क्या है? 1 वाला, 10^1। और इसके साथ में प्लस माइनस जो हमारा टॉलरेंस आया है वो 5 हो जाएगा, 5%। तो अल्टीमेटली जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा 470, ठीक है जी, 470 ओम। और जो टॉलरेंस आएगा वो 5% आएगा, टॉलरेंस तुम्हारा आने वाला है 5%। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है भाई 470 का, दिखाओ। 470 ओम 5%, तो यही ऑप्शन करेक्ट है भाई, ऑप्शन नंबर 3। क्योंकि अगर तुम्हें मल्टीप्लायर फैक्टर याद नहीं है ना इस ब्राउन वाले के लिए, तो ये किलो ओम में भी चला जाएगा भाई, तो इसलिए एग्जैक्ट मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी याद होना चाहिए। तो ये याद करने वाला क्वेश्चन है, येलो वायलेट ब्राउन गोल्ड क्या क्या इनके कोड हैं, इनकी वैल्यूज़ क्या हैं, उसके बेसिस पे तुम सॉल्व करने वाले हो। क्वेश्चन नंबर 8 भैया बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें तो मतलब कोई गलती होनी नहीं चाहिए। इसमें दिया हुआ है कि व्हेन यूरेनियम आइसोटॉप 235-92 यू इज बॉम्बार्डेड विद ए न्यूट्रॉन, इसमें एक न्यूट्रॉन से हम कराएंगे बॉम्बार्ड, तो इट जेनरेट्स 8936 kr 3 न्यूट्रॉन्स एंड, उसके बाद पूछा कि और दूसरा क्या होगा 3 न्यूट्रॉन के अलावा। क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 8 के लिए अगले डैशबोर्ड पे आ जाओ। देखो भाई, ये यू है यूरेनियम, ये है यू, इक्वेशन से समझेंगे, ये 235, ठीक है जी, 235 हो गया, यहाँ है तुम्हारा 92, 235 यहाँ है 92, इसमें लगा दिया हमने एक न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन कितने नंबर हैं? एक न्यूट्रॉन। उसके बाद जब इसको कराई गई बॉम्बार्डमेंट तो हमारा क्या बना, ये दिया हुआ है के आर, ठीक है जी, के आर 89, ये हो गया 89 का, और यहाँ दिया हुआ है 36। इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? प्लस 3 न्यूट्रॉन भी कह रहा भाई, 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे और प्लस एक और चीज़ निकलेगी, जो एक और चीज़ निकलेगी उसके बारे में हमें बताना यहाँ क्या निकलेगी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या कहता है? एटॉमिक नंबर रिएक्टेंट की साइड में, एटॉमिक नंबर प्रोडक्ट की साइड में सेम होंगे, इसी से निकलेगा ये। तो एटॉमिक नंबर रिएक्टेंट की साइड में कितने हैं? 92 है, ठीक है, 92, ठीक है जी। तो न्यूट्रॉन केस में कोई एटॉमिक नंबर आएगा नहीं, तो 92 + 0 = प्रोडक्ट की साइड में आ जाओ, इधर क्या है 36, ठीक है जी, प्लस में दूसरे वाले का हम मान लेते हैं जेड मान के चलेंगे, जेड की वैल्यू हमें पता करनी है, तो जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, जेड की जो वैल्यू आ जाएगी 92 - 36 क्या आ जाएगी, 56। तो जो हमारा यहाँ पे होने वाला है एटम, जो भी आएगा यहाँ पे उसकी जो एटॉमिक नंबर होगी वो 56 होगी। तो देख लो 56 किस में दी हुई है, एक ही ऑप्शन है, अगर यहाँ भी तुम चाहो तो आंसर लगा सकते हो 56, लेकिन इसको हम कंप्लीट देखेंगे भाई कैसे हो रहा है। तो ये आप वैल्यू आ गई। अब सेकंड जो लॉ लगाएंगे कि एटॉमिक मास ऑफ द रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू एटॉमिक मास टुवर्ड्स द प्रोडक्ट साइड। तो अब देखो इधर कितना है 235, ठीक है, तो अब हम इसको कर देते हैं इतना साइड कर देंगे, अब हम यहाँ से लेके चलते हैं भाई। देखो 235 है तुम्हारा इसकी तरफ, रिएक्टेंट की तरफ कितना है 235, अच्छा 235 है, प्लस एक जो बढ़ेगा मास वो न्यूट्रॉन के चक्कर से बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एक न्यूट्रॉन का भी तो है, इज इक्वल टू
इसमें कितना 89, तो 89 जोड़ दो, 89 प्लस तीन न्यूट्रॉन है भाई, और प्लस इसका हमें निकालना है इसका, तो इसको हमने मान लिया है, सपोज करो कुछ भी मान लो, ए मान लो, ए हमें कैलकुलेट करना है, तो 89 प्लस 3 कितना हो जाएगा 92, ठीक है, और ये हो जाएगा 236, तो 236 माइनस 92 कर देंगे, माइनस 92, जब इसको करोगे तो कितनी आ जाएगी तुम्हारी वैल्यू, जो आने वाली है वो आने वाली है 144, 144, तो तुम्हारा जो बनेगा वो बनेगा भैया 144, तो तुम्हारा आ जाएगा ऊपर, ठीक है, और 56 तो आ जाएगा तुम्हारा नीचे, ये बनेगा। अगर तुम्हें एलिमेंट का नाम नहीं भी ध्यान है तब भी चल जाएगा, यहाँ पे जो भी एलिमेंट हो तो देख लेते हैं किसमें है, 144 56 ऑप्शन नंबर 4 में है, ये होता तुम्हारा बेरियम, ठीक है जी। 8वें का ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9, तो हम इस तरीके से देखते जा रहे हैं कि हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं फिजिक्स के न्यूमेरिकल, बहुत ही सिंपल हैं, और आप सिंपल सिंपल से शुरुआत करोगे तो बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ए स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर हैज़ ए चार्ज ऑफ 3.2 × 10⁻⁷ कूलम्ब डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ खास इसमें करना है नहीं, अगर तुम्हें फार्मूला भी ध्यान है तो क्वेश्चन हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है जी, अगले डैशबोर्ड पे आ जाओ। अब r इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, देखो रेडियस ऑफ द स्फीयर कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, अच्छा और क्या दिया भाई, इसको हम मीटर में ले जाएंगे, इसको मीटर में ले जाओगे तो 10 × 10⁻², सेंटीमीटर को ले जाओगे तो 10⁻²² से मल्टीप्लाई करोगे, -2 मीटर, पहले स्टैंडर्ड यूनिट्स में ले जाओ, मीटर हो गया। अब Q जो दी हुई है कूलाम्ब की वैल्यू, कूलाम्ब की वैल्यू चार्ज की वैल्यू दी हुई है 3.2 × 10⁻⁷ कूलाम्ब, -7 कूलाम्ब, ठीक है जी। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q बाय डी स्क्वायर, ये सिंपल सा फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला तुम्हें ध्यान रहना चाहिए। और तो इसकी जो वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की क्या होती है 9 × 10⁻⁹, ठीक है 9 × 10⁻⁹, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये और बड़े ही आसानी से हो जाना चाहिए क्वेश्चन। इनटू चार्ज की वैल्यू कितनी है 3.2 × 10⁻⁷, 10⁻⁷ डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा भाई डी स्क्वायर, तो डी कितना है 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है 1.5 सेंटीमीटर को जब मैं ले जाऊंगा मीटर में तो 10⁻²² से मल्टीप्लाई हो जाएगी, -2 से इसका स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि d का मतलब क्या है कितने डिस्टेंस पे है, यहाँ मेंशन है फॉर्मूला क्वेश्चन के अंदर क्लियरली कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, तो 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर है तो d की वैल्यू 15 लेंगे हम, रेडियस से हमें कोई लेना देना नहीं है भाई, ठीक है जी। तो इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारा फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा 1.28, ठीक है 1.28 × 10⁵, ठीक है 10⁵ न्यूटन पर कूलाम्ब, ये तुम्हारा हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। 1.28 देख लेंगे किसमें है करेक्ट भाई, 1.28 × 10⁵, तो ऑप्शन नंबर 1 यही है करेक्ट, ठीक है सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, 10 टफ इसलिए टफ है क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टाइप का बना दिया है, उतना सिंपल ये नहीं है, थोड़ा सा लेंदी होने वाला है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, ए रे इज इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई ऑन वन सरफेस ऑफ ए स्मॉल एंगल प्रिज्म विद एंगल ऑफ प्रिज्म ए, देखो प्रिज्म का एंगल दिया हुआ ए, ठीक है जी, एंड इमर्जेस नॉर्मली फ्रॉम द अपोजिट सरफेस इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म इज म्यू,
देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नियरली इक्वल टू, एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछा है, एंगल ऑफ प्रिज्म दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 में हम क्या करेंगे कि चलिए भैया 10 पे आ गए, अगले डैशबोर्ड पे आ जाते हैं। अब मैं बना रहा हूँ यहाँ सिंपल सा प्रिज्म का डायग्राम, तो ये बन गया तुम्हारा प्रिज्म का डायग्राम, ठीक है जी। थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं ताकि अच्छे समझ में आ जाए। तो ये बन गया भाई आपका प्रिज्म का डायग्राम, ये बन गया। एंगल ऑफ द प्रिज्म क्या दिया हुआ है, ये वाला एंगल ऑफ द प्रिज्म ए दिया हुआ है, ठीक है जी। प्रिज्म का एंगल दिया हुआ है ए, अच्छा ये हो गया। अब कोई रे है, सपोज करो ऐसे करके यूं आ रही है रे, ये यहाँ कर गई हिट, ठीक है जी। उसके बाद तुम्हारी इसमें ये जाने वाली है ऐसे करके, और यहाँ से ये निकल जाएगी। ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं, बस हमें अंडरस्टैंडिंग के लिए देखना है, ठीक है जी। अच्छा अब यहाँ ड्रॉ कर दो तुम परपेंडिकुलर, यहाँ परपेंडिकुलर को हम कर देंगे ड्रॉ, ठीक है जी। ये परपेंडिकुलर हो गया ड्रॉ, अच्छा ये वाला एंगल हो जाएगा तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। ये एंगल हो गया तुम्हारा अल्फा, ठीक है जी। ये नॉर्मल है एन, अच्छा ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, ठीक है जी, ये हो गया। अब इसको हम नाम दे देते हैं पी क्यू आर, तो ये होगी, ये हो गया एन डैश। अच्छा तो अब हम ट्राइंगल को देखें, पी एन ये वाला पी एन एन डैश, ठीक है जी। इस ट्राइंगल में अगर हम देखें तो ए प्लस अल्फा प्लस 90, ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180, क्योंकि ये भी तो एक ट्राइंगल है ना, ये भी एक ट्राइंगल है और तीनों एंगल का जो सम है वो 180 हो जाएगा। ए प्लस अल्फा प्लस 90 इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से हमें जो अल्फा की वैल्यू मिलती है, ये अल्फा की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू आती है तुम्हारी 90 माइनस ए, 90 माइनस ए, ठीक है जी। अल्फा की वैल्यू आ चुकी है 90 माइनस ए। अच्छा इसको अगर मैं रीअरेंजमेंट कर लूँ तो क्या आ जाएगा, रीअरेंजमेंट करने के बाद आर प्लस अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। आर प्लस अल्फा, आर प्लस अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है जी। आर प्लस अल्फा कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अच्छा अब आर प्लस अल्फा जब 90 डिग्री है तो मैं यहाँ पे आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 माइनस अल्फा, आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 माइनस अल्फा। अब अल्फा की वैल्यू मैं कर दूंगा इसमें पुट, तो मेरा अल्टीमेट निकल के आ जाएगा ए, क्यों, क्योंकि 90 की जगह देखो 90 रख दो, बाहर निशान माइनस का है, ठीक है। तो 90 माइनस अल्फा, 90 माइनस ए, 90 माइनस ए, ठीक है जी, ये आ गया। तो ये 90 और ये 90 तो हो गए कैंसिल, तो आर इज इक्वल टू ये माइनस से ये हो जाएगा प्लस, तो अल्टीमेट निकल के आएगा तुम्हारा ए, मतलब आर इज इक्वल टू ए, ठीक है जी। आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए, अच्छा ये हो गया आर इज इक्वल टू ए, यहाँ से हमारा निकल के आ गया आर इक्वल्स टू ए। एक तो हमारी ये बहुत बड़ा रिजल्ट आया, इसके बाद हम फर्दर प्रोसीड करेंगे। तो म्यू वन, म्यू वन साइन आई, साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू साइन आर, ये इक्वेशन बनती है भाई, म्यू टू साइन आर, ठीक है जी। तो साइन आई, साइन आई इज इक्वल टू म्यू साइन ए, ठीक है जी, म्यू साइन ए,
क्योंकि आर इज इक्वल्स टू ए। अच्छा, अब हमें यहाँ से फाइंड करनी है फॉर स्मॉल एंगल। जब एंगल बहुत स्मॉल होता है तो साइन थीटा इज इक्वल टू हम ले लेते हैं इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, जो स्मॉल एंगल होता है ना, जब स्मॉल एंगल होता है कोई भी, तो साइन थीटा इज इक्वल टू जो सिंपल सा मैथमेटिकल फॉर्मूला है इज इक्वल टू हो जाता है थीटा। स्मॉल एंगल के केस में ये वाली इक्वेशन करेक्ट आती है। तो स्मॉल एंगल वाला केस है, ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई यहाँ से निकल जाएगा। आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, आई की वैल्यू यहाँ पे आने वाली है म्यू इंटू ए, क्योंकि साइन ए इज इक्वल टू हो जाएगा ए। तो इतने से छोटे से के लिए हमें इतना चलना पड़ा है, ठीक है जी। तो आई की जो वैल्यू है वो आ जाएगी म्यू इंटू ए। तो देखेंगे म्यू इंटू ए किस में दिया हुआ है, म्यू इंटू ए तुम्हारा ऑप्शन नंबर टू में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट फॉर दिस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का तुम्हारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू। तो चैनल को कर ले भैया सब्सक्राइब जी के ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी, इस पर केमिस्ट्री और फिजिक्स के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एज वेल एज ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यूज जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सारे के सारे इस पे चैनल पे हैं मौजूद। और फाइनली ये तुम्हें करने वाले हैं बहुत ज़्यादा हेल्प नीट के अंदर, और फिजिक्स में एक तरीके से कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि वी कैन सॉल्व द फिजिक्स, उसके बाद ही तुम्हारा सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा। तो जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी चैनल को कर लें सब्सक्राइब ऐसी वीडियोज़ को पाने के लिए।